वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। सो गाइज, आज मैं लेके आई हूँ वैसलीन का एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो। एंड गाइज, ये प्रोडक्ट कोई स्पॉन्सरशिप में नहीं है, मैं शेयर करूँगी अपना ओरिजिनल फीडबैक। सो गाइज, ये है हमारा वैसलीन का ग्लूटाहाया ड्यू रेडियंस सिरम इन लोशन, ग्लूटा ग्लो हाइलुरोन नायसिनमाइड, 10 times मोर पावरफुल देन वाइटामिन सी। ये नॉन स्टिकी फॉर्मूला है गाइज। गाइज, अभी इसमें कोई साइज अवेलेबल नहीं किया गया है, ये सिंगल साइज में आता है। इसमें दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, जो कि एक है इनका जुई रेडियंस एंड दूसरा है इसमें ग्लूटा हाया फ्लॉलेस ग्लो। गाइज, ये अभी लॉन्च किए गए हैं दो वेरिएंट में और मैं शेयर करूंगी आज इसके ड्यूई रेडियंस का नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू। सो गाइज, ये कहता है कि ये ग्लूटा हाया सीरम एंड लोशन है जो कि ड्यूई रेडियंस देने में मदद करता है, वो ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन देने में मदद करता है एंड ये क्लिनिकली प्रूवन है फॉर्मूला बूस्टेड विद ग्लूटा ग्लो टेक्नोलॉजी विद 10 times मोर पावरफुल देन वाइटामिन सी। वैसलीन ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉसेस ऑफ डल स्किन। हाइलुरोन है जो कि स्किन के मॉइस्चर को बूस्ट करने में मदद करेगा और स्किन को एक जुई स्किन बनाने में मदद करेगा। इसमें 10 times एक्टिव नायसिनमाइड डाला गया है जो कि स्किन के नेचुरल रेडियंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। वैसलीन जेली है जो कि मॉइस्चर डीप लॉक करेगी स्किन में। फॉर्मूला जो है वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मूले में आता है जो कि इंस्टेंटली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड स्किन को ब्राइटनिंग एंड ग्लोई इफेक्ट दे। आप इसका क्लेम से अगर समझ गए होंगे कि ये स्किन को ब्राइटन करने में मदद करता है और स्किन को ग्लोई इफेक्ट देने में मदद करता है और ये स्किन को हाइड्रेट करता है। बात करें कंसिस्टेंसी के बारे में तो गाइज, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये एक बहुत ज़्यादा थिक लोशन नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ लाइट टाइप की है एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, वाटर बेस्ड है। इसमें कोई ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं डाले गए हैं जो आप लोगों को शायद लग रहा हो कि इसमें कोई स्पार्कलिंग इफेक्ट हो, नहीं, इसमें कोई भी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है। ये नेचुरली ग्लोई इफेक्ट देता है स्किन में ब्लेंड होने के बाद, ऐसा कुछ भी बनावटी या आर्टिफिशियल फिनिश नहीं है। ये एक नॉन ऑयली एंड नॉन स्टिकी फिनिश देता है। गाइज, इसकी जो इंग्रीडियंट लिस्ट है आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें इंग्रीडियंट बताए गए हैं। इसमें वाटर है, डाइमिथिकोन है एंड इसमें नायसिनमाइड है, ग्लिसरीन है, ग्लूटाथियोन है, सिस्टीन है, ग्लिसरीन। गाइज, इसमें मिथाइल पैराबेन भी आपको मिल जाएगा, फिनोक्सिनॉल है। बाकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको स्क्रीन में मिल जाएगी। गाइज, ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट नहीं, इसमें पैराबेन आपको मिल जाएगा। बात करें कि इसको यूज कैसे करना है तो गाइज, ये कोई मेंशन नहीं किया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए है, इसको आप फेस पे भी यूज कर सकते हैं। ये एक सीरम लोशन है जिसको मेरे अकॉर्डिंग फेस और बॉडी दोनों में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है। मैं इसको फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ तो मुझे कोई एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। बाकी ब्रांड कहीं भी मेंशन नहीं करती कि ये बॉडी लोशन है, ये कहती है कि ये सीरम लोशन है और इसको यूज़ करने का भी तरीका ऐसे बताया गया कि दिन में 2 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर रिजल्ट के बारे में गाइज, इस सीरम लोशन को मैं यूज कर रही हूँ 5 days से। गाइज, ये इंस्टेंट तो कुछ भी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट नहीं देता, ना इसमें कोई एज सच वाइट कास्ट है। ये अच्छा सा लाइट वेट लोशन है जिसको समर में यूज किया जा सकता है स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, चाहे वो फेस की हो या फिर बॉडी की। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है, बिल्कुल भी कोई स्टिकीनेस नहीं है, कोई चिपचिपन नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने इसको पैच टेस्ट करके ही अपने ऊपर यूज किया था और आप भी इसको पैच टेस्ट करके ही यूज करें। बाकी गाइज, एकदम से कोई जुई ग्लो या एकदम से आपको शाइनी इफेक्ट फेस में मिले तो ऐसा नहीं है, ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल नॉन ऑयली नॉन स्टिकी फिनिश देता है। स्किन वाइटनिंग या ब्राइटनिंग जैसा जो आपको लग रहा हो तो गाइज, ये जो ब्राइटनिंग इफेक्ट है आपको लॉन्ग टर्म में यूज करने में फील होगा। अभी एकदम से तुरंत ये नहीं एकदम रिजल्ट देता है, थोड़ा टाइम लेता है। मैंने इसको 5 से 6 दिन यूज किया लेकिन मुझे एकदम से कोई ब्राइटनिंग इफेक्ट नहीं मिला, बट हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नॉन ऑयली नॉन स्टिकी लग सकते। सो गाइस, ये था एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक रखिए आप अपना ख्याल। टेक केयर।